फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा हो अपना या अपने तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां आपको लिखा होता है अपना, देखें कि उस अपना की इंग्लिश क्या होगी। मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि उर्दू में वीडियो अपलोड करें, यानी उर्दू टू इंग्लिश पढ़ाएं। मुझे उर्दू टू इंग्लिश पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अफसोस इस बात का है कि मैं जितना मेहनत करके एक वीडियो को शूट करता हूं, उतने व्यूज नहीं आते। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग उर्दू टू इंग्लिश प्रीफर नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उर्दू टू इंग्लिश वाले वीडियोस को कम बनाता हूँ। बाय द वे, आइए इस लेसन को समझें। अगर किसी सेंटेंस में अपना लिखा हो तो अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उस सेंटेंस में अपना के लिए आप लिखेंगे माई। अगर सब्जेक्ट ही है तो अपना की इंग्लिश होगी हिज। अगर सब्जेक्ट सी है तो अपना की इंग्लिश हर। इट का इट्स। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो अपना की इंग्लिश योर। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो अपना की इंग्लिश अवर। अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो अपना की इंग्लिश देयर। अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो अपना की इंग्लिश वंस होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और खास बात बता दूं कि अगर आपका सब्जेक्ट दिस और दोज है तो अपना की इंग्लिश ओन होगी। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि अपना की कोई एक खास इंग्लिश वर्ड नहीं है। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि अपना की इंग्लिश क्या होगी। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना की इंग्लिश माई। ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, यू का योर, वी का और, दे का देयर, वन का वंस, दिस दैट दीज दोज के लिए आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को जुमला में समझें। अगर लिखा हो मैं अपने कमरे में हूँ तो इस सेंटेंस को आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। आप कहेंगे आई एम इन माई रूम। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए आप लिखेंगे माई। अगर लिखा हो आप अपने घर में हैं तो आप कहेंगे यू आर इन योर रूम। अगर लिखा हो हम अपने घर में हैं तो आप कहेंगे वी आर इन आवर रूम। अगर लिखा हो वह लोग अपने घर में हैं और अगर वह कोई मुजक्कर है यानी मेल है तो आप कहेंगे ही इज इन हिज रूम। अगर वह कोई मुअन्नस है यानी फीमेल है तो आप कहेंगे सी इज इन हर रूम। परिंदे या कीड़े मकौड़े जिन्हें देखने से यह ना पता चले कि वह मुजक्कर है या मुअन्नस, फेमिनिन है या मैस्कुलिन, तो आप वहां पर इट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कहना हो यह अपने घर में है तो आप कहेंगे इट इज इन इट्स रूम। अगर आपको कहना हो कि कोई अपने कमरे में है तो आप कहेंगे वन इज इन वन्स रूम। वन मींस कोई, यानी जब सब्जेक्ट अननोन हो, आपको पता नहीं हो कि कौन, तो आप वहां पर वन का इस्तेमाल करेंगे और वन का अपना वन्स, जैसे कोई अपने कमरे में है, वन इज इन वन्स रूम। ये सभी सब्जेक्टिव केस हैं जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं और ये सभी पजेसिव केस हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वर्ड अपना की इंग्लिश आपको समझ में आई। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात जान लें ताकि इस कंसेप्ट में आपको कोई परेशानी ना हो। इन सभी की एक और मीनिंग होती है, जैसे माय मींस मेरा, हिज मींस उसका, हर मींस उसकी, इट्स मींस उसका या उसकी, योर मींस तुम्हारा, आवर मींस हमारा, देयर मींस उन लोगों का। जैसे अगर आपको कहना हो यह मेरा कलम है तो आप कहेंगे दिस इज माय पेन। यह उसका कलम है, दिस इज हिज पेन। अगर वो कोई फीमेल है तो आप कहेंगे दिस इज हर पेन। अगर आपको पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल, जैसे अगर आपको कहना हो कि यह उसकी टांगे हैं तो आप कहेंगे दिस इज इट्स लेग। अगर आपको कहना हो कि यह तुम्हारा कलम है तो आप कहेंगे दिस इज योर पेन। यह हमारा कलम है, दिस इज आवर पेन। यह उन लोगों का कलम है, दिस इज देयर पेन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया। माई, हिज, हर, इट्स, योर, अवर, देयर, ये सभी पजेसिव एडजेक्टिव हैं और इनके दो दो मीनिंग होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको अपना की इंग्लिश समझ में आ गई होगी। और जब आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जहाँ लिखा हो अपना, अपनी, अपने, तो आप बड़े आसान तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।